प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके जो है कानपुर यूनिवर्सिटी एवं इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम नज़दीक ही हैं, तो उसी एग्ज़ाम को लेकर आप लोग तैयारी को करने को लेकर बहुत ही चिंतक होंगे कि हम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। इसी के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं, कैसे तैयारी करना है। हम छोटी सी एक टिप्स आपको देने वाले हैं, उस टिप्स को आप फॉलो करके अच्छे तरह से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। बहुत से भाई लोग हैं जो पूछ रहे हैं, सर सर मैं किताब तो पढ़ता हूं लेकिन मेरे को कुछ याद नहीं होता है, तो उनके डाउट को क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में, कैसे तैयारी करना है। अगर इस टिप्स को फॉलो करेंगे आप तो 100% मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ज़रूर ला पाएंगे साथियों, ठीक है, और आपको याद भी होगा, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है साथियों। तो साथियों, इस मुश्किल घड़ी में हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टिप्स लेके आए हैं, जिस जो कि है तैयारी को लेकर, तैयारी कैसे करें। जैसे मान लीजिए सर भाई लोग कि आप लोग इजी नोट्स पढ़ रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ, इजी नोट्स को पढ़ने के साथ साथ आप लोग ये आपके पास कोई भी कक्षा 12 या 11 की जो है पुरानी नोट्स बुक है उसको अपने पास रखे हैं, पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी काम करें। उसमें जो भी क्वेश्चन याद कर रहे हैं उसको 3 से 4 बार उसके आंसर और क्वेश्चन को 2-3 बार उसमें बुक में लिखें। लिखने के बाद आपको ऑटोमेटिक याद होगा, 4 से 5 बार जरूर लिखें, ठीक है, तभी आपको याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। आप लोग इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, यानी पढ़ने के साथ साथ, मेरा कहने का मतलब है, मेरा मानना है कि पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी काम करें, तब आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है, और आप आसानी से एग्ज़ाम में परीक्षा को जो है वहाँ पे आंसर दे सकेंगे और अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से तैयारी कर आप साथियों। तो आशा करते हैं मित्रों कि हमारा वीडियो पसंद आया होगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शुक्रिया हमारी वीडियो में कीमती समय देने के लिए, शुक्रिया।